Wings are only needed for birds to rise up. In case we human, however, the more we bow down, the higher we rise in life. ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत सिर्फ पक्षियों को पड़ती है। हम इंसान तो जितना नीचे झुकते हैं जीवन में, उतना ही ऊपर उठते जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भोला। आप देख रहे हैं क्या खाएं, कैसे खाएं जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकें, कोई भी वायरल या कोई भी तकलीफ आपको ना हो, तो उसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी आपके लिए तैयार करके लेकर आया। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछ रहा हूँ बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं। मानसून आते ही हर किसी को सुकून महसूस होता है, गर्मी से तो राहत मिलती है, साथ ही साथ आसपास का वातावरण भी ठंडा हो जाता है। लेकिन इस वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पेट के संबंधी रोग और खतरा भी बढ़ जाता है। तो एक नजर डालते हैं कि आप ऐसी क्या क्या सावधानियां बरतें हैं जिससे आप इस मानसून का मजा भी उठा सकें और साथ में अपना ख्याल भी रख सकें। अधिक से अधिक फलों और सब्जियों का सेवन करें, क्योंकि इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं, जिससे आपको पचने में भी आसान होता है और आपको विटामिन मिल जाते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान देंगे कि आप सब्जी और फलों का सेवन करने से पहले इसे अच्छी तरीके से धो लें, ताकि इन्फेक्शन बैक्टीरिया निकलने से आलू, अरबी, भिंडी, मटर और फूलगोभी इन्हें लेने से बचे, क्योंकि ये आसानी से पचते नहीं है और इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। सलाद और जूस लेने से भी बचे, क्योंकि सलाद के अंदर में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं इस मौसम में, जिससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोशिश करें, अगर आपको सलाद लेना है तो आप स्टीम करके लें और जूस पीने से भी बचें इस मौसम। इस बारिश के मौसम में डेयरी प्रोडक्ट लेने से भी बचें, खासकर कच्चा दूध, क्योंकि नमी के कारण इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनने का खतरा बना रहता है। तो आप कच्चा दूध लेने से भी बचें। अगर आपको दूध पीना है तो कोशिश करें उबाल कर ही पिए। इस मौसम में आप तैलीय पदार्थ से दूरी बना कर रखें। जी हाँ, कुछ तेल भारी होते हैं जो इस मौसम में यूज़ करने नहीं चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और मक्खन। इन चीज़ों को इस मौसम में बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये भारी तेल होते हैं। कोशिश करें हल्के तेलों का सेवन करने के लिए, जैसे कि घी, जैतून का तेल और सूरजमुखी का तेल। ये तेल हल्के होते हैं जो पचने में सुपाच्य होते हैं और आराम से पच जाते हैं।